मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जनवरी महीने की विदाई बूंदाबांदी के साथ होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जबलपुर संभाग के डिंडोरी, बालाघाट, मंडला और सिवनी में 28 यानी कि आज और 29 जनवरी को बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की एक्टिविटी 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इससे दिन रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी होगी। इससे कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी भोपाल में मौसम ठंडा रहेगा। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिन का तापमान 25 से 26 डिग्री और रात का तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रह सकता है। तापमान पर एक नजर दौड़ाई जाए तो सबसे अधिक ठंडी रात पचमढ़ी की रही, जहां न्यूनतम पारा 3.8 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद मलाजखंड, अधिकतम पारा यहां 22.5 और न्यूनतम पारा 6.4 दर्ज किया गया। नौगांव की बात करें तो यहां अधिकतम पारा 23 और न्यूनतम 6.5 रहा। खजुराहो में 23.4 रहा, रीवा में 24.2, टीकमगढ़ में 24.5, छिंदवाड़ा में 24.7, सीधी में 24.8, खरगोन में 25.8, गुना में 25.6, नरसिंहपुर में 25.6, सतना की बात करें तो यहां पारा 25.8 डिग्री रहा। सिवनी में 26, बैतूल में 26, धार में 26, सागर में 26, उमरिया में 26.3 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। दमोह की बात करें तो यहां पारा 26.6, नर्मदापुरम में 26.9, रतलाम में 27.2, मंडला में 27.4 और खंडवा का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। आपको बता दें कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मध्य भारत में ठिठुरन बनी हुई है। ग्वालियर, छतरपुर जिले लगातार ठिठुर रहे हैं और लंबे समय से मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके रहे हैं, क्योंकि उत्तरी हवाएं सीधे इन जिलों में आती हैं। खंडवा, खरगोन क्षेत्र भी काफी ठंडा है। गौरतलब है कि देश के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जोरदार सर्दी पड़ रही है।